कहता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन बी। अब हम लोगों के पास दो हाइड्रोजन लाइक आयन है और उन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी में रिलेशन दिया हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। आयनाइजेशन एनर्जी आप सबको पता होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है आयनाइजेशन एनर्जी वो होता है 13.6 जेड स्क्वायर और ये आ जाएगा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी ठीक है मतलब उस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे भेज देना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे भेज देना है। अब हाइड्रोजन में तो एक ही रहता बेचारे इकलौता है, तो ये यहाँ से ये जो है आयनाइजेशन एनर्जी है। तो ये कहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बी। तो कहता है लेट ई आर एल रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, स्पीड इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्टिवली इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है तो ग्राउंड स्टेट की अगर बात करोगे तो ग्राउंड स्टेट में हमें उन दोनों हाइड्रोजन लाइक एटम की रेडियस, स्पीड, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम कंपेयर करना है और आयनाइजेशन एनर्जी में रिलेशन दिया हुआ। तो अगर ग्राउंड स्टेट की बात करोगे तो आयनाइजेशन ग्राउंड स्टेट की बात करोगे तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी ठीक है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ये सही लिखा हूँ ना आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी। तो ए और बी का आयनाइजेशन एनर्जी अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि 13.6 जेड स्क्वायर ऑफ ए इज ग्रेटर देन 13.6 जेड स्क्वायर ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि जेड ऑफ ए इज ग्रेटर देन जेड ऑफ बी। तो यहाँ जो आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन दिया था उस आयनाइजेशन एनर्जी के रिलेशन से आयनाइजेशन एनर्जी ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, उस आयनाइजेशन एनर्जी से प्यारे बच्चों हमने एटॉमिक नंबर में रिलेशन निकाल लिए कि जेड ऑफ ए इज ग्रेटर देन जेड ऑफ बी। अब यहाँ से कंपेयर करना हमारा आसान हो जाएगा सारी चीज़ें, क्योंकि अगर हमें रेडियस कंपेयर करना तो रेडियस की जो वैल्यू होती है यहाँ से देखो रेडियस आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपन जेड होता है। अब रेडियस ऑफ ए अब यहाँ से देखो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल आ गया तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1 हो गई और आर नॉट कॉन्स्टेंट है तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू जेड। अब जेड ऑफ ए इज ग्रेटर देन जेड ऑफ बी तो रेडियस ऑफ ए इज लेस देन रेडियस ऑफ बी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है क्या है रेडियस ऑफ ए फर्स्ट ऑप्शन क्या है गलत है रॉन्ग है, रेडियस ऑफ ए इज लेस देन रेडियस ऑफ बी होगा। चलो दूसरा यहाँ से कंपेयर करो एनर्जी स्पीड यू रेडियल स्पीड तो स्पीड क्या होती है स्पीड जो होती है प्यारे बच्चों वी नॉट जेड अपॉन एन होती है। तो वी नॉट कॉन्स्टेंट है और स्पीड और जेड की वैल्यू तो स्पीड की वैल्यू यहाँ से जो ये होता है अपना एन तो एन की वैल्यू 1 है वी नॉट कॉन्स्टेंट है तो जेड इज प्रोपोर्शनल टू वी इज प्रोपोर्शनल टू जेड। अब वी इज प्रोपोर्शनल टू जेड मतलब जेड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी इसका मतलब वी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी या बी स्पीड ए का बी से अधिक होगा मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों बी ऑप्शन सही है हमारा। एनर्जी देख लो एनर्जी देखोगे तो एनर्जी आ जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर बराबर है तो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गया तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ जेड स्क्वायर समझना आप यहाँ निगेटिव है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं कि जेड ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा अगर जेड ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा निगेटिव वैल्यू है ना जेड ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी तो जेड किसका ज़्यादा ए का ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी कम होगी मतलब टोटल एनर्जी एनर्जी ऑफ ए इज लेस देन एनर्जी ऑफ बी और इसमें क्या दिया हुआ है एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी तो ये भी गलत है। एंगुलर मोमेंटम देखो तो एंगुलर मोमेंटम अगर देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π तो एंगुलर मोमेंटम एन इज इक्वल टू 1 के लिए तो कॉन्स्टेंट आ गया तो एंगुलर मोमेंटम तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है
और वैसे भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हर ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है सभी हाइड्रोजन एटम लाइक आयन आयन की सेम होती है यार, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा तो हर ऑर्बिट की एक हाइड्रोजन का एक हीलियम का है, तो जो हाइड्रोजन के एन इज इक्वल टू टू के लिए एंगुलर मोमेंटम है वही हीलियम के लिए एन इज इक्वल टू टू के लिए एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम एन इज इक्वल टू ए और बी आपस में है इक्वल होगा सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, मतलब ये भी गलत है। मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन ही सही है। चलो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। कहता है व्हेन ए फोटॉन स्टिम्युलेट द इमेज